कितने बजे होती है ओपीडी? ओपीडी बस सर 10 बजे, 10:30 नहीं टाइम क्या अस्पताल का? 9 बजे से सर। 9 ना, 11 बज गए मेरे भाई। 2 घंटे तक कितने पेशेंट्स आपके लौट गए होंगे? नमस्ते, कहाँ कहाँ हैं आज डॉक्टर साहब? पेशेंट्स कितने कितने लोग आए हैं? हेलो डॉक्टर साहब, कहाँ बैठे हैं आजकल? ये डॉक्टर साहब की पत्नी? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मतलब क्या मतलब है? आपका क्या नाम है? पुष्कर भरतवाल जी। आप किस पोस्ट पे हैं? हाँ जी फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट, आप टेम्प्ररी हैं परमानेंट हैं? परमानेंट है जी सर। वेरी गुड, कितना समय हो गया आप है? मैं सर अभी आया हूँ। हेलो बेबी, क्या नाम है आपका? दिया। और दिया सो प्रिटी, सो क्यूट। किस क्लास में पढ़ते हैं आप बता दो? और आप आए हैं डॉक्टर साहब के पास? आए तो आपका नाम भरतवाल होता है ना? और यार आपका क्या नाम? सूरज। सूरज बली। सूरज बली, आप किस पोस्ट पर हो? वार्ड बॉय। वार्ड बॉय परमानेंट है नौकरी? हां सर। अच्छा, मैं थोड़ा देखता हूँ आपकी जरा की पीएच, आपकी ओपीडी जनरली कितनी रहती है? जो ओपीडी का फोन करते एक अच्छा ट्रीटमेंट का तरीका है और काफ़ी इसके फायदे हैं। और यहाँ पे पर्ची कितने रुपये की कटती है? एक रुपये की ना? और दवाई तो यथासंभव यहीं से देते होंगे? हाँ, सारी देते। उसका पैसा लगता है? नहीं सर। दवाई का पैसा भी नहीं, मुफ्त में मिलती है? हाँ सर। बाहर सफ़ेद गाड़ी, किसकी गाड़ी? कार सजा की है। ओके, तो अगर मैं इसको देखूं आज कल 13 है ना? जी सर। 13 को रवि, विपिन, राजन, खुशी, हिमानी, राधिका, कीर्ति, रश्मि, विवेक, ये क्या नंबर? अच्छे दोबारा आए होंगे। हाँ, ये पुराने पेशेंट हैं। रीना, ज्योति, किश्ती, कीर्ति, सूरज, हनीश, मिताली, रागिनी, जगदीश, प्रिया, सभी एज ग्रुप्स के हैं। शैलजा 24, 39, 39, रश्मि, आराधना, सुजाता, सब लोग आए। तो कल अच्छी ओपीडी रही, 58 लोग आए कल इलाज कराने के लिए अपने, और सभी को दवाई वगैरह भी मिली। ये कार्ड इनका यही बनता है या जो फ्रेश आता है उसका कार्ड बनता है? ओपीडी स्लिप सर। हाँ हाँ, ये 1 रुपये उसी में लेते हैं ना? उसी में। तो यार 1 रुपये तो आजकल होते नहीं, तो कैसे लेकर आते हैं? 1 रुपये होते हैं आजकल? नहीं सर, कोई लोग देते भी नहीं, तो हम लोग देना मिलता ही आए आजकल, कहते आज है नहीं कल दे देंगे सर, बोलोगे दे जाके। अच्छा, तो फिर आप लोग कैसे लेते हैं? ग्यारह बज गए मेरे भाई। 2 घंटे तक कितने पेशेंट्स आपके लौट गए होंगे? नहीं सर, सबसे पहले पेशेंट आ तो सकता था 9 पे, लेकिन ना जी सर बंदिश तो नहीं थी, तो 9 से 11 2 घंटे वेस्ट हो गए आपके। डॉक्टर साहब की सैलरी रोकनी पड़ेगी सर। अच्छा, ये मत दिखाओ फोन, मैं ये नहीं पूछना चाहता है, ये दूसरी मरतबा हो गया ना सर कि। और ये पर्ची किसकी है? सोनिया परिहार, दीप गंगा। 1 रुपये की आप पर्ची काटते हैं? जी सर। दवाई हमारे रखते हो आप? दवाई आप लोग बना भी देते हो? जी सर। ठीक है, आपको फार्मासिस्ट का पूरा नॉलेज है? फार्मेसी का जी सर। अच्छा, जैसे मान लो कोई इस बीच आपके पास कुछ टाइफाइड के पेशेंट्स आए थे? मशीन भी खराब खराब है, कैलिब्रेट कर दो यार इसको ठीक से। 0 पे तो आ गई, 0 पे एक बार थोड़ा प्रेस कर दे, क्योंकि बच्चों का तो वजन नापते ही होंगे ना। आ गया 66 सर। ठीक है, वैसे मशीन मुझे खराब लग रही है आप लोग की, और कभी कभार ज्यादा पुरानी भी है। नहीं सर, 1.5 साल पुरानी। ऐसा तो नहीं इसका टाइम पूरा हो गया? 1.5 साल वगैरह तो डॉक्टर साहब है नहीं। और अब आज सुबह से पेशेंट्स जो आते हैं उनका कहाँ पे कटती है पर्ची? पर्ची सर जैसे वो आते हैं 1 रुपये से आप आए हैं जी सर, आप कहाँ पे काटेंगे पर्ची? पेशेंट अंदर आ जाते हैं सर, यहीं आप ही के पास ना काटती इनकी?
अभी काट रहे थे जस्ट सब काट रहे आइए 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 इनको कटवा दीजिए दिया है ना इनका नाम दिया का इनको क्या हो गया बेटा तबीयत खराब हो रही है आपकी फीवर है फीवर हो रहा है आपको देखें जरा टेंपरेचर तो देखें जरा अभी तो नहीं है वो अभी तो नहीं है और नहीं है हल्का सा टेंपरेचर मतलब 99 से 100 के बीच में होगा तो आप लोग टेंपरेचर नापते भी नहीं है नापने का है ही नहीं सर हमारे पास पीछे नहीं है और आपको पता भी नहीं और आप वार्ड बॉय हैं आपको पूरी जानकारी है आप ज्यादा समय से होंगे हाँ, तो ये बताओ कि तो पिछले 6 महीने में किसी का टेंपरेचर नापा भी नहीं गया नहीं नापते सर तो कैसे नहीं पता इनको यार कौन नापता इनके सामने कोई आया नहीं पूछने आप मैं जब कहती डॉक्टर साहब नापते हैं ना नहीं वहां डॉक्टर साहब नापते बता डॉक्टर साहब नापते हैं तो ये है जी काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है ये फारेनहाइट में भी है जी ठीक है साफ आप किससे करते हो सर डिटॉल है सर डिटॉल में रखा है ये है अब इसके बाद फिर आपके उसी में अभी काटिए इनकी पर्ची कैसे काटते हैं जरा समझना चाहता हूँ बेबी है ये यहाँ बैठते हैं ना आप किस बैठते हैं जी सर मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ दवाई के पास अब ये आपको मेडिसिन मिलेगी ना बच्चा आज आपको मेडिसिन मिलेगी ना आप बहुत क्यूट हो बहुत प्रिटी हो आप तो आप कहाँ रहते हो दीपगंगा में रहते हो दीपगंगा में रहते हैं गेस कर रहा था मैं रहती हूँ ये वैसे दवाइयाँ नहीं लेती एलोपैथी की एलोपैथी नहीं ले रही शुरू से ही क्या नाम निकाल देती उल्टी कर देती है वॉमिटिंग हो जाती है होम्योपैथी सूट करता है इनको होम्योपैथी चलाता हूँ नहीं नहीं के बहाने आ जाते स्पेशली फॉर चिल्ड्रन आई थिंक मेरे हिसाब से तो इफेक्टिव है काफ़ी क्या नाम है दिया दिया आप ही काटते होंगे पर्ची तो पर्ची भाई सब काटते हैं आप काटते हैं बाली जी क्या नाम आपको बाली ना बली की बाली बली बली आप काटते हैं अच्छा आज आप काट रहे हैं सीख लो तुम भैया तुम थर्मोमीटर का आइडिया नहीं है क्या करोगे मैं एज कितनी है 4 इयर्स पापा के साथ है आप अपने आप अब आपको इश्यू आ रहा होगा एक रुपए वाला ना जी सर तो आपको क्या लगता है कि इस एक रुपए को खत्म कर दिया जाए कि बढ़ा दिया जाए सर वैसे तो खत्म ही होना चाहिए सर खत्म कर देना चाहिए हाँ क्योंकि लोगों के पास चेंज होते नहीं है तो इसलिए आपको बोल देते जैसे आपके पास भी 1 रुपये नहीं होगा नहीं सर पर्सी भूल गया आज पर्सी भूल गया अब सब क्या निकाल देते हैं बोलो दे भी जाते हैं नेक्स्ट टाइम हाँ फिर आपको बोल देते अब जैसे ये 5 रुपये रखे हुए हैं ज़्यादा भी दे जाते हैं अच्छा ठीक है ये रंग बिरंगा अच्छा पत्थर से क्या बनाया भगवान जी का है सर हाँ सर बना दिया वही कार्टून का फिर अब बताइए बच्ची यहाँ पे खड़ी हैं बच्चे बीमार है डॉक्टर साहब हैं आप कब आएगा सुबह से भी कई लोग लौट गए होंगे पेशेंट से नहीं सर अभी पहले पेशेंट जा रहे हैं आपको कैसे पता सुबह से कोई नहीं मैं बैठा हूं अच्छा आप कितने बजे ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता हूं 9 से 10 गलत बात है यार अच्छा अस्पताल बंद कितने बजे होता है 3 बजे सर 3 ना जी सर तो आप डॉक्टर साहब 11 बजे आएंगे तो 12 1 2 3 4 घंटे की नौकरी करेंगे बस सैलरी तो होगी अच्छी डॉक्टर साहब कितनी होगी सर 87000 ये अच्छी बात थोड़ी है कि हम 87000 लेके 4 घंटे काम कर रहे हैं इट इज नॉट गुड और 11 पे 9 से 3 मतलब 9 पे है ना वैसे 10 11 12 1 2 3 6 घंटे की होती है उसके बाद डॉक्टर साहब फिर कहां जाते हैं और भी घंटे होते हैं अस्पताल में नहीं कहां जाते बेसिकली 6 आवर्स का जॉब है ये परमानेंट जॉब है डॉक्टर साहब हां परमानेंट जॉब परमानेंट तो ये अच्छी बात है मैंने दूसरी मर्तबा देख लिया आई एम नॉट हैप्पी अब डॉक्टर साहब को बताइएगा मैं बहुत नाराज हूं और मैं कंप्लेंट भी कर सकता हूं प्रति वर्ष हाँ लेकिन अब बार बार ऐसा होगा तो फिर पब्लिक फिर छोटी बच्ची के मुझे बहुत खराब लग रहा है दिया आई इसको मेडिसिन नहीं मिल पा रही है चलो अभी आपको मेडिसिन मिलेगी डॉक्टर साहब आ रहे हैं कहाँ पे डॉक्टर साहब लोकेशन फोन कर लो कहाँ पे हैं क्योंकि ये भी तो पता चलेगा कि आप कितना सच बोल रहे हैं और ना आप तो बोल दोगे कि सर यहाँ पे हैं और पता चला कि डॉक्टर साहब देहरादून में लोकेशन तो क्या हो सकता है डॉक्टर साहब देहरादून में और तो और अगर डॉक्टर साहब की जेन्युइन प्रॉब्लम भी है तो डॉक्टर साहब छुट्टी ले लें कम से कम दूसरा तो आएगा तो ये तो गलत बात है ना अभी परेशान अगला होम्योपैथिक अस्पताल यहाँ से बहुत दूर होगा सर हरिद्वार में बहुत दूर है वहाँ जाना पड़ेगा आप कहाँ जा पड़ते हैं आपको पता है हड़ताल चली थी आईटीसी में तो ठीक होगी ना कितनी देर में आ रही आप साहब आए हुए और नहीं तो फिर क्या हाँ डीम साहब आए हैं लोकेशन पूछो बस
हाँ कहाँ आए मैं उस समय? ठीक है मैम, ठीक है आ रहा हूँ सर। तो है कहाँ पे मैम? गरीब कहाँ है इसमें? सब कुछ कहाँ है इसमें? शिवाजी बस ठीक है, ठीक है। ड्राइव तो नहीं कर रही? एक्सीडेंट करवा देना। ड्राइव कर रही है? हाँ सर बिल्कुल सर, ठीक है। कई दिन से कर दिए तो यार, तो अच्छी बात नहीं। ठीक है मैम, दो बार हमने दो बार चेकिंग करी है और दोनों बार ही डॉक्टर साहब नहीं है, इससे मैं बहुत नाराज हो चुका हूँ। अब कौन दवाई देगा इनको, दिया को? और ये भी नहीं बता रही कब आ रही है। टाइम तो बताओगे ना कितने बजे आ रही हैं? ये कब तक वेट करेंगे पेशेंट? नंबर बताओ, बैठेंगे बोले डॉक्टर साहब को तो बता करना। तो आपको दवाई का नॉलेज तो होगा ना फार्मासिस्ट को? जी सर। खुराक अगर बढ़ानी हो, भूख नहीं लग रही हो, तो उसके लिए थोड़ा सा क्या लिखना होगा? उसके लिए सर सिरप नहीं है? सिरप तो हमारे को आते ही नहीं है सर। अच्छा आप ये? हाँ हमारे सिर्फ डाइजेशन में आते हैं। अच्छा अच्छा, तो भूख बढ़ाने की जरूरत। मैडम डॉक्टर साहब नमस्ते, हम अस्पताल में आपके आए हुए हैं और पेशेंट्स भी आए हुए हैं और दो घंटे बीत चुके हैं, तो आप कहाँ पे हैं? किसका ऑफिस मतलब? कौन सा ऑफिस? ऑफिस कहाँ पे आपका? पीछे? हाँ तो ऑफिस तो ओपीडी के टाइम पे थोड़ी ना मैम आप लोग इधर उधर रहेंगे, और 10-15 मिनट की देरी चलती है और आप लोग मतलब दो दो घंटे में भी नहीं पहुँचेंगे तो पेशेंट्स क्या करेंगे? किसको बता रखा था? तो मैडम अगर तबीयत ठीक नहीं चल रही है आपकी तो लीव ले लीजिए ना, लीव का प्राविधान क्यों बना रखा है? किसका? अभी आप कहाँ पे हैं? ये बहुत गलत बात है मैम, सेकंड टाइम मैंने आपको इस तरह से देखा है, मैं इस बार जरूर एक्शन लेने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे ऑफिस में आके यहाँ पे पहुँचते ही इनको यहाँ पे ये छोटी बच्ची आई 4 साल की, इसको दवाई दीजिए और दवाई देने के बाद मुझे बताइए, जैसे ही पहुँचेंगे मुझे फ़ोन आना चाहिए। अभी आप दवाई लेके जाएंगे ठीक है? आने वाले डॉक्टर साहब ठीक है।